हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया और मेरा नाम है विनीता कुमार। तो यू नो, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि इंडस्ट्री में, इनफैक्ट अब तो लाइफ में मिलना बहुत मुश्किल है, सहजता, सिंप्लिसिटी। तो एक एक्टर है जो कि जाने ही जाते हैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, बिफोर ऑफ कोर्स द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ जो उनके पास है ऑन स्क्रीन। पंकज त्रिपाठी है आज मेरे साथ विद द डायरेक्टर ऑफ हिज नेक्स्ट फिल्म, मिस्टर श्रीजीत मुखर्जी। नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है, नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर है हमारे साथ विद अ न्यू फिल्म शेरदिल। कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे मैंने पंकज जी बोला आपको, सिंप्लिसिटी आई थिंक आपका बेस्ट एसेट है आपके पास, मतलब वो, हाँ मुझे पता नहीं बेस्ट है कि नहीं है, ऐसा ही है। ये अच्छा, इनके बोलने से मुझे याद है कि अच्छा मुझे भी नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, तो हम दोनों हैं, मुझे याद ही नहीं था। क्या बात कर रहे हैं सर, देखा मैं बोल रही हूँ ना सिंपलिसिटी। तो सर ये मतलब एक ऐसे सिंपल एक्टर को, और आपने बोल दिया शेर दिल, मतलब वो जो एक मुझे लगता है एक बहुत ही सॉलिड डाइकोटमी आपने एक फिल्म में निकाली। ट्रेलर देखा, बहुत सॉलिड था उसमें ना। मुझे लगा कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं सैड हूँ, मैं सोचूं कि मतलब शुड आई बी प्राउड ऑफ हिम कि वो गए, या फिर मैं सोचूं कि क्या चल क्या रहा है ये देश में। तो मेरे को समझ नहीं आया। तो क्या सबसे सॉलिड यूएसपी है पिक्चर की, ऑल्सो यूएसपी क्या है पंकज सर को कास्ट करने की? तो यही खासियत है जो आपने अभी अपनी खुद के बारे में आप बोल रहे थे कि आपके जो एहसास है आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हंसू या रोऊं या फिर गर्व हो या फिर दुख हो, मायूस हो, क्योंकि सटायर का वही है कि आप पहले हंसोगे फिर सोचोगे फिर थोड़ा सा आँख में पानी भी आ सकता है। और हमने डिसाइड किया था कि मुद्दा इतना सीरियस है, इतना गंभीर है, तो इसको जो कहानी मुद्दे से निकल के आ रहा है वो कहानी जो है वो उसको ठीक, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा डार्क ह्यूमर, थोड़ा सटायर के तरीके से अगर बोला जाए तो बेहतर होगा, इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। तो वैसा ही किया हमने, और जो इफेक्ट आपके ऊपर हुआ होपफुली वो सबके ऊपर होगा, क्योंकि अगर आप कोई भी, आप जानवी दो यारो ले लीजिए, आप पीपली लाइफ ले लीजिए, हिंदी में जितने अच्छे सटायर्स बने हैं, आप कोई भी सटायर ले लीजिए, उसका इफेक्ट वही होता है। आप बहुत हंसते हो फिर सोचते हो और आपको लगता है कि समाज में ये क्या हो रहा है। सो पंकज जी, जैसे कि उन्होंने बोला कि इन्होंने स्क्रिप्ट लिखा और फिर सोचा कि पंकज जी कर सकते हैं, मतलब कैसा लगता है जब आपको लगता है कि मतलब एक अवार्ड विनिंग डायरेक्टर लिख दिया और सोचा कि पहला चेहरा ही पंकज जी है, मतलब इसके बियॉन्ड जाना ही नहीं, और पंकज जी भी ऐसे है कि हाँ कर दिया, मतलब हाँ अच्छा लगता है। मैं चाहता था अभिनेता बनूं और अच्छी कहानियों का हिस्सा बनूं, उसी के लिए 8-10 साल लगा रहा, बिना काम के भी बैठा रहा कि एक दिन ऐसा मौका आएगा जब। और अब जब सृजीत जैसे डायरेक्टर बोलते हैं कि यार जब कहानी के बाद मुझे एक चेहरा दिखा, ये पंकज का था, तो मेरी प्रयास और कोशिश सही थी। मैं चाहता था कि फिल्म मेकर्स के जहन में वो कहानी लिखने के बाद उनके आए अभिनेता के तौर पे, तो यही कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। ऐसे लोग अपने आप फल दे देते हैं और कहानियां मिल जाती हैं। जी जी पंकज जी, आईफा मिला अभी आपको, मुबारक हो, बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। शेरदिल भी अब आ रही है, ओटीटी पे तो आप छा ही रहते हैं पंकज जी, मुझे बताइए अभी अब और क्या करना है, मतलब जैसे मैंने मेंशन किया स्पेशल मेंशन भी हो गया, नेशनल अवार्ड भी हो कुछ गया, नहीं अब ऊपर क्या है इससे? कुछ नहीं, अब 8 घंटे नींद और सुबह ये घंटे योग करने का, योग दिवस आज ही है ना? बिल्कुल हाँ, तो ये घंटे योग करने का समय, वो भी मिल नहीं पा रहा है 1 हफ्ते से 15 दिन से जी। और 8 घंटे की नींद, और एक्टिंग में मेरा जीवन अभिनय नहीं है, मेरा जीवन कुछ और है, वो अच्छे से चले उसके लिए एक्टिंग करता हूँ, तो वो अच्छा से चले तो एक्टिंग थोड़ा बैलेंस हो जाए जीवन और काम। पंकज जी मुझे मतलब पिछली बार हम लोग का बात हुआ था, मुझे नहीं पता आपको याद है नहीं, आपने मुझे एक बात बोला था कि मेरा ना कैलेंडर इतना ब्लॉक्ड है कि मैं अब कोई प्रोजेक्ट नहीं लूंगा, मैं कुछ नहीं लूंगा, मुझे बस जाना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है और बस मतलब वही करना है। अब उसी उस पे लगा हुआ हूँ अभी भी, 4-5 महीने बाद वो स्थिति आएगी। अच्छा ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि ग्रेटफुल फील होता है या फिर स्ट्रेस्ड फील होता है कि इतना काम है कि मतलब उस लेवल तक मेरे को सोचना पड़ रहा है, प्लानिंग करनी पड़ रही है, यही लगता है कि ग्रेटफुल भी फील होता था। पहले तो सुबह में शाम का पता नहीं होता था, फोन रिंग कब बजेगा, फोन लगता था टावर नहीं है क्या, नेटवर्क खराब है क्या। अब आपको 6 महीने आगे की प्लानिंग कर रही है, तो ये शुक्रगुजार भी हैं हम इसके लिए, और कभी कभी स्ट्रेसफुल भी लगता है कि यार इतना भी व्यस्त होना नहीं सच्चा है थे क्या, मतलब ऐसा कि मैं चाह के भी अपने हिसाब से कि आज मन नहीं है काम करने का,
लेकिन हम नहीं कर सकते हैं, प्लानिंग है, प्रोड्यूसर डेट तय है, तो यही है। अब जैसे अभी भी आपसे बात कर रहा हूँ और बार बार नजर घड़ी पे जा रही है उस लड़के के चेहरे पे, वो हमसे ज्यादा एंजाइटी उसमें दिख रही है क्योंकि उनको भी बात करनी है हमसे और हमें एक और समय पकड़ना है। जी जी जी, ये मुझे पसंद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आई कैन अंडरस्टैंड, जहाँ रहे वहीं रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप सर ये बताइए कि ये पीलीभीत सागा है बट पीलीभीत में रिलीज नहीं हो रहा है, ऐसा सुनने को मिला है? वो तो हमें पता नहीं है, वो तो रिलायंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन टीम है वो बेटर बोल सकेगी। पीलीभीत सागा से इंस्पायर्ड है जी, लेकिन इसका शूटिंग भी पीलीभीत में नहीं हुआ है जी। इसका शूटिंग नॉर्थ बंगाल में हुआ है क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इसका जंगल जो है वो काल्पनिक है, हाँ। जो गांव है वो भी काल्पनिक है, तो दोनों काल्पनिक है और उसके मतलब सीड स्टोरी जो है वो पीलीभीत का है, लेकिन ये जो है ये थोड़ा हमने इसको थोड़ा ड्रामेटिक करने के लिए, सटायर करने के लिए क्रिएटिव लिबर्टीज ली है वहाँ पे, राइट। तो अभी पीलीभीत में रिलीज हो रहा है कि नहीं हमें कुछ मतलब, ये भी पता नहीं कहाँ कहाँ हो रहा है रिलीज। हाँ, हम दोनों को मालूम नहीं है। मुझे पीलीभीत के एक अधिकारी बात कर रहे थे, यहाँ नहीं होगा तो हम लोग जाएंगे बरेली, पास में है आई थिंक बरेली, तो वहाँ के लोग ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमारा काम अभिनय करना है उसके बाद मेरा डायरेक्शन, कहाँ रिलीज हो, कितना में रिलीज हो, कितना क्या कमाई हो। जी, जी। तो इतना पता है कि इसका जो बजट है वो कवर्ड है ऑलरेडी, तो वो सो बॉक्स ऑफिस का प्रेशर नहीं है। बहुत ही बढ़िया बात है। मतलब इससे बढ़िया बात क्या होगी कि बॉक्स ऑफिस का प्रेशर, मतलब ये जो नेटफ्लिक्स के साथ ये फिल्म है भी नहीं वो प्रेशर वाली, बहुत प्रेम से प्यार से बनाई हुई फिल्म है, तो यहाँ कुछ वो दबाव नहीं है। तो वेब सैटेलाइट जो जितने भी राइट्स है उससे पूरा बजट और सब कुछ कवर हो गया है, तो जो मिलेगा वही बोनस है। जी, बहुत ही बढ़िया बात, मतलब ये तो बहुत ही शांति वाली बात है। दो मिनट है सर मेरे पास। सो बिफोर आई रैप अप पंकज जी, आपके लिए एक बहुत एक क्विक सा एक छोटा सा बस एक गेम कर देती हूँ। ये है कि आपको एक बहुत पॉपुलर कैरेक्टर्स के नाम बताती हूँ, आप मुझे बताइए अगर आप करते तो क्या उसमें छोटा सा डिफरेंटली होता, अगर पंकज से पाटी जी करते। गब्बर, पता नहीं, मैंने सोचा नहीं है और ये इंस्टेंट जवाब दिया भी नहीं जा सकता है। मेरा मानना है जो नहीं हो सके पूर्ण काम उनको करता हूँ मैं प्रणाम, जो मैंने किया ही नहीं है उसमें क्या इनपुट देना। ये इम्पोर्टेंट हिंट है कि आदमी दो थे, ये इम्पोर्टेंट क्या तुम तीन। ये होता, ये बहुत अच्छा था। मिस्टर इंडिया नहीं करेंगे? हाँ मिस्टर इंडिया, हाँ वो हम करते हैं प्रबंध। कालीन भैया होता, मुझे क्लू मिल गया सर। बहुत ही बढ़िया। ये बताइए मुन्ना भैया, अगर आपके ही मिर्जापुर के मुन्ना। हाँ, तो मैं बोलता कि बेटा बुद्धि तेज कर लो, तो पापा हमारी बुद्धि बहुत तेज है। ठीक है, एक और लास्ट में आपको बोलती हूँ, सर्किट फ्रॉम मुन्ना भाई। पता नहीं मैं क्या करता, मालूम नहीं। मैं सोच भी नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं ये फिल्मी क्विज मुझसे आता नहीं। लोग मुझे पिछले दिनों एक जानवर का नाम और एक्टर बताओ, मुझे लगता है कौन इतना समय व्यर्थ कर खपाएगा कि कौन जानवर से कौन एक्टर मिलता जुलता है। राइट, कुछ और बातें करो ना, मेरे पास प्रवचन बहुत है, मैं जीवन बदल दूंगा पांच मिनट में। कहाँ फिल्मी क्यूज में लगे हुए हैं। चलिए ठीक है, इस कमरे में सबका जीवन आज बदल कर भेजेंगे। बदल चुके हैं। हाँ, देखो हो गया। बदल चुके हैं, मस्ती कर रहा हूँ, माफ करें। थैंक यू वेरी मच सर, आपने यहाँ ज्वाइन किया। जी जी, शुक्रिया, आपका भी धन्यवाद, बातें की, कंग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट। तो शेरदिल है 24 जून, पीलीभीत सागा देखिए पंकज जी के लिए। थैंक यू। आपके नजदीकी सिनेमाघरों में और हो सकता है दूर के सिनेमाघरों में। जहाँ रिलीज नहीं हो रही है तो दूर जाइए देखिए, जहाँ हो है वहाँ नजदीक में देख लीजिए। थैंक यू।